कृष्ण जो कि लीलाधर है, उनकी लीलाओं की व्याख्या तो कई पुराणों में, कई शास्त्रों में की गई है। ऐसा भी लिखा गया है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, उनका इस धरती पर आने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। उसके बाद जब उनकी मृत्यु का समय आ गया तो वो इस धरती से चले गए, लेकिन अपने साथ वो कई ऐसी रहस्यमय बातें छोड़ गए जिनके बारे में आज भी लोग जानना चाहते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे कि जब श्री कृष्ण मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है जो उनकी 16,000 पत्नियां थी उनका क्या हुआ। बता दें आपको, महाभारत के युद्ध के बाद जब गांधारी ने श्री कृष्ण को ये श्राप दे दिया कि यदुवंश आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएगा, उसके बाद श्री कृष्ण और बलराम ने भी अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन हम में से बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि जब श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया तो उसके बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ। इस बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे, पर उससे पहले आपको बता दें कि श्री कृष्ण को श्राप क्या मिला था और क्यों मिला था। कौरवों की माँ और धृतराष्ट्र की पत्नी यानी कि गांधारी, अगर भगवान कृष्ण चाहते तो इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत पर वो विराम लगा सकते थे। अपनी बुद्धि और शक्ति से वो इन सब चीजों को रोक सकते थे। गांधारी के विचार में कृष्ण के कारण ही उसके 100 पुत्रों की मृत्यु हुई। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब गांधारी ने श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और उन्हें इस प्रकार का श्राप दिया कि जिस प्रकार से कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार से आपके यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। महाभारत के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी 8 पत्नियों, जिन्हें अष्टभर्रे कहा जाता है, उनके साथ जीवन व्यतीत किया। कृष्ण की कुल मिलाकर 16,108 पत्नियां थी, लेकिन इन 16,108 पत्नियों में से केवल उनकी 8 पत्नियां ही प्रमुख थी, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से थे: रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। आपको बता दें कि भविष्य स्कंद और वाराह पुराण के अनुसार एक बार की बात है, जब नारद मुनि द्वारका नगरी पहुंचे थे तो वहां कृष्ण और जामवंती के पुत्र यानी कि साम नारद मुनि की ओर ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद ऐसा निरादर देखकर मुनि ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला लिया। भगवान की सभी पत्नियों और साम को मदिरा पान करा दिया उन्होंने। उसके बाद श्री कृष्ण की पत्नियों ने अपनी चेतना ही खो दी और उनका स्वयं पर नियंत्रण ही नहीं रहा। उनमें से एक पत्नी ने सांब की पत्नी का भेष धारण कर लिया और सांब का ऐसा हाल देखकर कृष्ण ने उसे कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप दे दिया और अपनी पत्नियों को कहा कि मेरी मृत्यु के बाद तुम सभी को अभिर राज्यों के लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया जाएगा। बता दें आपको, जब यदुवंश का विनाश हुआ, एक बार ऋषि विश्वामित्र और ऋषि दुर्वासा, ऋषि वशिष्ठ और नारद मुनि तीर्थ यात्रा से वापस आ रहे थे। उस समय में कृष्ण और बलराम से भेंट करने के लिए वो द्वारका आ पहुंचे। वहां पर सांब सहित यदुवंश के कुछ और युवाओं ने महर्षियों को देखकर उनका मजाक बनाया
जिस वजह से महर्षियों ने सभी यदुवंशियों को श्राप दे दिया। इसी श्राप और गांधारी के श्राप की वजह से यदुवंश आपस में ही लड़ने लगे और इस लड़ाई ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि यदुवंश समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण के पुत्र और पौत्र सभी की मृत्यु हो गई। यदुवंशियों में केवल कृष्ण के प्रपोत्र व्रज ही जीवित बचे। व्रज अनिरुद्ध के पुत्र थे और अनिरुद्ध प्रद्युमन के पुत्र थे। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ। आपको बता दें, कृष्ण की केवल मुख्य रूप से 8 पत्नियां थी और कुछ सेविकाएं भी थीं। केवल कृष्ण की 8 पत्नियां, बलराम की पत्नियां और कुछ सेवक उस आक्रमण से बच गए। चलिए आपको बताते हैं कि कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ। पर आपको उस बारे में बता देते हैं जब कृष्ण की मृत्यु का समय नजदीक था। महाभारत काल के बाद जब श्री कृष्ण द्वारका लौट गए अपनी नगरी में, तब उसके बाद एक बार हिरण चलाने वाले ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर तीर चला दिया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार ये बताया जाता है कि श्री कृष्ण और बलराम ने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। अर्जुन ने कृष्ण और बलराम की पत्नियों को उनके पतियों की मृत्यु के विषय में कुछ नहीं बताया। उनकी पत्नियों और संतानों को अर्जुन अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे। तभी रास्ते में इतनी महिलाओं की रक्षा के लिए केवल एक योद्धा को उपस्थित देख अभीर वर्ग के लोगों ने उन पर आक्रमण कर दिया, जिसमें कृष्ण की पत्नियां सहित सभी को बंदी बना लिया गया, जो कि स्वयं कृष्ण भगवान का उनकी पत्नियों को दिए गए श्राप का ही परिणाम था। भगवान के संसार से जाने के बाद अर्जुन ने अपनी शक्तियां खो दी थी, क्योंकि अर्जुन को जिन कारणों के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना था वो सभी काम पूरे हो चुके थे। अर्जुन ने यदुवंश के लोगों की रक्षा का हर वो संभव किया, लेकिन उसके सभी शस्त्र भी असफल हो रहे थे। केवल इस महायुद्ध के बाद केवल कृष्ण की 8 पत्नियां, बलराम की पत्नियां और कुछ सेविकाएं ही बची थीं। ये सभी अर्जुन के साथ पहले इंद्रप्रस्थ और अंत में कुरुक्षेत्र पहुंची। हस्तिनापुर के लोगों ने द्वारका वासियों को शरण देने के लिए एक उचित प्रबंधन किया। अर्जुन ने सभी को राज्य में एक उचित स्थान दिलवाया और अंत में जो भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत्र वर्ज थे उन्हें मथुरा का राजा भी बनाया। उसके बाद अर्जुन ने अष्टभर्य यानी कि कृष्ण की 8 पत्नियों को कृष्ण की मृत्यु का समाचार दिया, जिसके बाद रुक्मणी, जामवंती तो सती हो गई, लेकिन सत्यभामा सहित उनकी और पत्नियां वन में तपस्या के लिए चली गई और वो वहीं सालों तपस्या करती रही। तो कुछ ऐसा हाल हुआ श्री कृष्ण के बाद उनकी पत्नियों का। श्री कृष्ण के जाने के बाद कुछ ऐसी जिंदगी व्यतीत करी उन लोगों ने और कुछ ऐसा जीवन जिया। नेक्स्ट 9 न्यूज से आरती की रिपोर्ट।